कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पूरे देश को अपने चपेट में ले रहा है। देश भर में फैल रहे कोरोना को रोकने एवं डिजिटल बैंकिंग द्वारा ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक सदैव प्रयासरत रहता है, जिसके तहत कोरोना संक्रमण काल में ग्राहकों को सहज एवं सुरक्षित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को बिना शाखा में गए सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपना नया खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए बैंक नए ग्राहक के लिए गूगल प्ले स्टोर से SBI ऐप डाउनलोड करके बिना सिग्नेचर तथा बिना चेकबुक वाला इंस्टा सेविंग्स प्लस खाता घर बैठे ही किसी भी शाखा से खोल सकता है। इस विशेष खाता को खोलने के लिए सिर्फ आधार और पैन कार्ड से प्राधिकृत करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद बैंक ग्राहक से संपर्क कर वीडियो द्वारा उसका KYC वेरिफिकेशन कर खाता प्राधिकृत करेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय गोरखपुर के DGM PC बरोड ने बताया कि इंस्टा बचत खाता नामक इस खाते का उद्देश्य जरूरतमंद ग्राहकों तक तत्काल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। यह खाता खोलते समय सर्वप्रथम आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर पर आए OTP से तुरंत खाता प्राधिकृत किया जा सकेगा। खाता प्राधिकृत होने के उपरांत शाखा से एक लिंक बैंक के LCPC जाएगा। वहां से ग्राहक से संपर्क कर उनका वीडियो KYC पूरा करके खाता खोल दिया जाएगा। उसके बाद ग्राहक के आधार कार्ड में दिए गए पते पर ATM भी भेजा जाएगा। ग्राहक ATM कार्ड या योनो कैश के माध्यम से ही नगदी निकासी कर सकता है। इस खाते में ग्राहक को चेकबुक या पासबुक जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय के DGM PC बरोड ने कहा, कोविड की जो पैंडेमिक है उसको देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि सभी को घर बैठे बैंकिंग सुविधा मिल सके, सभी अपना खाता डिजिटली ओपन कर सके, उन्हें ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो फैसिलिटी है वो इंस्टा सेविंग्स बैंक अकाउंट है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जो कस्टमर है वो बिल्कुल नया कस्टमर होना चाहिए स्टेट बैंक के साथ में, उसका कोई पहले से कोई रिलेशन कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। उनके पास में अपना आधार कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए और पैन होना चाहिए। एक बार जब आधार और पैन अपने पास में है तो हमारी जो योनो ऐप है उसके थ्रू ये खाता खोला जा सकता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, एक साल में अप टू या लेस देन 50,000 बैलेंस या ट्रांजेक्शन्स ही किए जा सकते हैं उसमें। और ये जो खाता खुल जाता है उसके बाद में हमारे ऑफिशियल जो हैं, हमारे जो प्रोसेसिंग सेंटर के ऑफिशियल हैं, वो थ्रू वीडियो KYC जो है वो कस्टमर की कंप्लीट करते हैं। और इसमें जो है चेकबुक और पासबुक नहीं दी जाती है, लेकिन कस्टमर को अकाउंट ओपन करने के लिए जो दो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। पहली तो ये कि उनको अपने घर के एड्रेस पे ATM कार्ड मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं कैश विड्रॉल की। सेकंड ये है कि थ्रू योनो ऐप जो हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। योनो ऐप वो विदाउट कार्ड भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं।
ओनली थिंग कि जो एटीएम कार्ड है वो अगर उनको बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या पीओएस के लिए चाहिए, तो वो एटीएम कार्ड वो काम में ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है, मेरी सभी से गुजारिश रहेगी कि इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो कोविड महामारी है, हमें इसको मिल के सामना करना है, इसके लिए कम से कम बाहर निकलें और इस डिजिटल इनिशिएटिव का फ़ायदा लेके अपनी जो बैंकिंग की ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। स्टेट बैंक हमेशा आपके साथ में है और आपकी जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे। इसके साथ मेरी सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। हम सबको मिलके इस कोविड महामारी का सामना करना है। थैंक यू।